नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और शाम की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं डिंपल। ईडी ने आईएएस पूजा सिंगल की करीब 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लांट शामिल है। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने अटैच करने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि 18.06 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का आरोप तत्कालीन खूंटी डीसी पूजा सिंगल पर है। मामले में 5 मई को ईडी ने पूजा सिंगल और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें भारी मात्रा में नगद और अहम दस्तावेज मिले थे। निलंबित आईएएस पूजा सिंगल की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने किया है 82.77 करोड़ की संपत्ति अटैच। पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ईडी ने किया है अटैच, साथ में पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लांट भी है शामिल। मनरेगा घोटाला का ये मामला, निलंबित आईएएस पूजा सिंगल से जुड़ा है ये मामला। ईडी ने किया है 82.77 करोड़ रुपए अटैच। और फिलहाल हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है पूजा सिंगल का, घोटाला का मामला, मनरेगा घोटाला का मामला, और अब बताया जा रहा है कि ईडी ने पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें घोटाले का पैसा लगा हुआ है उनके और उनके पति का, उसे अटैच कर लिया गया है। बिल्कुल सही कहा डिंपल आपने कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार करते वक्त शायद यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार के पैसे से जो अवैध प्रॉपर्टी बनाई गई है वो शायद उनकी नहीं रहेगी। आप देखिए मेरे पीछे यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पल्स, जिसे फिलहाल ईडी ने अटैच कर लिया है, और अब यह 13 मंजिलीय इमारत पूजा सिंघल का नहीं रहा बल्कि अब यह सरकारी संपत्ति बन गया है। साथ ही पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि इस अस्पताल के थोड़ी ही दूर पर है उसे भी ईडी ने अटैच कर लिया है, और कांके रोड में करीब 2 जमीन अटैच कर ली गई है, यानी कि करीब 82 करोड़ रुपए के अवैध प्रॉपर्टी जो कि पूजा सिंघल ने बनाकर रखे थे उसे ईडी ने अटैच कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं इस पल्स अस्पताल के कारण आईएएस अधिकारी मैडम पूजा सिंघल का जो पल्स है वो भी बढ़ गया होगा, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद जो ईडी के लोग हैं अब इस अस्पताल पर कब्जा कर सकेंगे। फिलहाल यह अस्पताल है, मरीजों का इलाज चल रहा है, इसलिए इस अस्पताल को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अवैध पैसे से कमाई गई और अवैध यह जो अस्पताल है अब सरकारी अस्पताल कहलाएगा। आपको याद होगा डिंपल कि रांची के एयरपोर्ट में NO1 ने जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाया था और इस प्रॉपर्टी पर आज ईडी का कार्यालय है। आने वाले समय में यह सरकारी भवन जिससे मरीजों को कई सुविधा जो है वो मिल सकेगा, और जब से इस पल्स अस्पताल का निर्माण हुआ है तब से यह अस्पताल विवादों में रहा है, क्योंकि जो सूचना मिली है कि करीब 42 करोड़ रुपए इस अस्पताल के निर्माण में खर्च किए गए थे, और जब ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से जानना चाहा कि इस अस्पताल के निर्माण में क्या कुछ पैसे लगे हैं और उसकी कीमत क्या है, तो महज 3 करोड़ 16 लाख रुपए
कागज पे दिखाए गए। आप समझिए कि पूजा सिंघल ने महज 3,16,00,000 रुपए में 13 मंजिलीय इस बहुमंजिलीय इमारत को अस्पताल को बनाया, यानी कि पूरी तरह से अवैध कमाई से इस अस्पताल का निर्माण किया गया था और उसका खामियाजा पूजा सिंघल को आखिर भुगतना पड़ा। जेल में फिलहाल ईडी के गिरफ्त में और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में पूजा सिंघल अभी रह रही हैं और शायद उनके अस्पताल को जिस तरह से अटैच किया गया, उनके बेनाम संपत्ति करीब 82 करोड़ रुपए के संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया, यानी कि अवैध तरीके से कमाए गए जो भी प्रॉपर्टी पूजा सिंघल ने खड़े किए थे अब वह प्रॉपर्टी पूजा सिंघल की नहीं रह गई बल्कि वह प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है। डिंपल जी, सत्यव्रत, किरण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पैसा इस अस्पताल के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।